की विधानसभा की 90 सीट पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 9.53% मतदान। जींद जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग। शाम 6 बजे तक लोग वोट कर सकते हैं। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं महिलाएं। भिवानी में एबीपी न्यूज पर खुलकर बोली महिलाएं, सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा, पानी की समस्या से भी परेशान है महिलाएं। वोटिंग को लेकर के लोगों में दिखा उत्साह। 90 साल के बुजुर्ग दंपति ने भी हिसार में वोट डाला, शिक्षा को बताया जरूरी मुद्दा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट पर मतदान जारी है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने गांव मिर्जापुर में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला, कहा हरियाणा में खिलेगा कमल का फूल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में वोट डाला, नए रिकॉर्ड के साथ हरियाणा की सत्ता वापसी का दावा किया। हिसार में कुमारी सैलजा ने मतदान किया, लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वोट डालने के बाद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान, पार्टी आलाकमान तय करेगा मेरा अगला रोल, महिला सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने पैतृक अपने गांव बलाली में मां और भाई के साथ मतदान किया। जुलाना से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है विनेश। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ मतदान किया, हरियाणा के भविष्य के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में मतदान किया, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, बोले दुष्यंत चौटाला की छवि से बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर सीट पर वोट डाला, आदमपुर सीट से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव। चुनावी मैदान में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद चिरंजीव राय रेवाड़ी में मतदान किया, वोट डालने से पहले गाय को रोटी खिलाई, शनि मंदिर में दर्शन किए। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने झज्जर में अपने गांव जाकर गोरिया में पहली बार वोट किया, लोगों से अपना जनप्रतिनिधि चुनने की अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो, युवाओं को रोजगार किसानों की समृद्धि के लिए वोट डालने की अपील की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह का बयान, हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी का बयान, बीजेपी ने हरियाणा में ऐतिहासिक काम किया है, बीजेपी के टिकट पर तोशाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी मैदान में है। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, कृषि पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास। राहुल गांधी आज कोल्हापुर से करेंगे मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मराठवाड़ा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, छत्रपति संभाजी में करेंगे बैठक, पार्टी पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार ने बीजेपी को एक और झटका दिया, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ज्वाइन करेंगे शरद पवार की पार्टी, कल बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की यूपी के सीएम की तारीफ, योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिमला लौटे ठाकुर ने कहा शिक्षा में सुधार के लिए अपनाएंगे यूपी मॉडल। मानहानि केस में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को समन भेजा, 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश। 6 अक्टूबर से फिर केजरीवाल की जनता अदालत लगेगी, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोगों से संवाद करेंगे, ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर के बेगुनाही के सबूत देंगे। नक्सल समस्या को लेकर के दिल्ली में 7 अक्टूबर को बड़ी बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे, नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और गृह मंत्री शामिल होंगे। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी बनाने का आदेश है, सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो दो, एफएसएसएआई के एक अधिकारी इस एसआईटी में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई गई एसआईटी लड्डू मामले की जांच नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की जांच की निगरानी करेंगे सीबीआई डायरेक्टर, निष्पक्ष पारदर्शी जांच का जिम्मा हो। यूपी के अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन पुलिस मुठभेड़ में घायल,
पुलिस का दावा, आरोपी ने पिस्तौल छीनकर फायरिंग की कोशिश की थी। अमेठी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया, कहा कि आरोपी को गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया, अवैध संबंधों की वजह से हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंदन वर्मा ने गुनाह कबूला है, मृतक की पत्नी से 1.5 साल से जान पहचान थी, हाल ही में हुए मन मुटाव के चलते हत्या की गई।